गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टेस्टी फूड बाय रूबी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी बैगन की भाजा बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं 1 kg बैगन ले ली हूँ और इसका ये महीन महीन पतले पतले स्लाइस जैसा काटी हूँ, लेकिन इसे जड़ से नहीं काटी हूँ, जिससे ये सब आपस में सटे रहेंगे। देखिए दोस्तों, और इसके लिए हमें देख सकते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच सब्जी मसाला ले ली हूँ। इधर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच नमक, 10 कली लहसुन की, 2 लाल मिर्च और छोटी सी आदि के पीस ले ली हूँ। अब इस बैगन में, ये बैगन देख रहे हैं आप लोग, इसमें मैं ये सभी मसाला सान करके पहले से तैयार करूँगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये लहसुन आदि का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इस बैगन में मैं सभी मसाला को एक एक करके धीरे धीरे डालूंगी, जिससे मैं इसमें अच्छे से कोटे कर सकूं और फिर उसे मैं इस कढ़ाई में मैं थोड़ी सी सरसों के तेल चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, जिसमें मैं धीरे धीरे इसमें पकाऊंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैं ये सभी मसाला अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से कटी हुई है चारों तरफ से, देख सकते हैं। इसमें सभी मसालों को अच्छे से कोट कर दूंगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अच्छे से मसाला पैक हो गई है। अब इसमें धीरे धीरे करके मैं करूंगी। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, जिससे ये अच्छे से पक सके। देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी हमारी बैगन में तल रही है। इसे धीरे धीरे पहले अच्छे से पकाएंगे और फिर इसमें कवर कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 10 मिनट अच्छे से पक गई है मीडियम आंच पर। इसे मैं पका ली हूँ। देख सकते हैं कितनी अच्छी ये बैगन की भाजा तैयार हो गई है। ये बिल्कुल मछली जैसी लग रही है। इसे आप भात या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं दोस्तों। आपको मन है कि इसे और भी डीप ब्राउन कर सकते हैं, धीमी आंच कर सकते हैं।